दोस्तों वो भी एक समय था जब द ग्रेट खली की दहाड़ एक शेर की दहाड़ के बराबर हुआ करती थी। उनकी हथेलियों के बीच जिसका भी सर आ जाता वो व्यक्ति बेहोश हो जाया करता था। जब ग्रेट खली को गुस्सा आया तब उनके सामने अच्छे अच्छे महाबली भी नहीं टिक पाए। तो आइए जानते हैं पांच ऐसे पलों के बारे में जब द ग्रेट खली ने गुस्से में अपना कंट्रोल खो दिया और अपने विरोधियों को मार मार कर अधमरा कर दिया। नंबर 5, खली ब्रूटल अटैक केन। दोस्तों साल 2007 में द ग्रेट खली और केन के बीच राइवलरी देखने को मिली थी। इसी दौरान 9 मार्च 2007 के स्मैकडाउन में केन का सामना वर्ल्ड चैंपियन बटिस्टा से हुआ था, जिसमें बटिस्टा ने केन को बटिस्टा बॉम्ब देकर पिन करके हरा दिया। मैच हारने के बाद केन बैकस्टेज पहुंचते हैं जहां उनका इंटरव्यू हो रहा था। जब उनसे पूछा गया कि अंडरटेकर और बटिस्टा में से कौन ज्यादा खतरनाक है, तभी अचानक से महाबली खली ने केन पर हमला कर दिया और एक शेर की तरह दहाड़ मारते हुए केन के सर को 2 बार स्टील केज में भड़का। खली यहीं नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने केन को 5 हेडबट मारे जिस वजह से केन के सर से खून बहने लगा। लेकिन इसके बाद भी खली का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने 10 बार केन के सर को फिर से स्टील केज पर भड़का और फिर वहां से चले गए। इस हमले की वजह से खली और केन के बीच रसलमीनिया 23 में मैच भी हुआ था जिसे महाबली खली ने जीता था। नंबर 4, ग्रेट खली डिस्ट्रॉयस रिक फ्लेयर एंड बटिस्टा। दोस्तों 10 अगस्त 2007 के स्मैकडाउन में रिक फ्लेयर ने द ग्रेट खली से बदला लेने के लिए मैच लड़ा था। मैच से पहले फ्लेयर ने बैकस्टेज लॉकर रूम में बटिस्टा को कहा था कि आज मैं ग्रेट खली को टैप आउट करवा कर हराऊंगा, लेकिन उनका सपना सपना ही बना रह गया क्योंकि खली ने उस रात उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा। दर्द के मारे फ्लेयर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। फिर जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने महाबली खली के अखरोटों का टपा टप कर डाला। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। खली को कुछ चॉप्स और पंचेस मारकर वो खुद को बड़ा महाबली समझने लगे। इतने में असली महाबली खली ने एक हाथ से उनका सर दबोच लिया जिस वजह से 40 सेकंड में फ्लेयर बेहोश हो गए और ग्रेट खली ने पिनफॉल से मैच जीता। जीत हासिल करने के बाद भी जब खली ने फ्लेयर के सर से अपनी पकड़ ढीली नहीं की तो एनिमल बटिस्टा हीरो बनकर उन्हें बचाने आए और रिंग में आते ही खली पर टूट पड़े। लेकिन बटिस्टा की भी यहां एक न चली और खली ने अचानक से उनका सर भी दबोच लिया और उन्हें भी अपनी वाइस ग्रिप में फंसा कर बेहोश कर डाला। नंबर 3, एंग्री मूड। दोस्तों 1 जुलाई 2009 के स्मैकडाउन में द ग्रेट खली ने वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक के खिलाफ मैच लड़ा था। यहां पंक ने खली को हराने के लिए अपना हर एक पैतरा आजमाया पर वो कुछ खास नहीं कर पाए। मैच के अंत में खली ने पंक को चॉप मारकर पंजाबी प्लंज दे मारा। इतने में केन ने मैच के बीच में आकर अपनी टांग अड़ा दी। उनके हाथ में स्टील चेयर भी थी और वो खली को डराकर उन पर हमला करना चाहते थे। जैसे ही केन रिंग में आए रंजीत सिंह ने भी खली को चेयर थमा दी। इतने में शातिर केन ने धोखे से खली पर वार कर दिया। फिर क्या था, महाबली खली को गुस्सा आ गया और एक शेर की तरह दहाड़ मारकर उन्होंने केन की स्टील चेयर पर मुक्का मारा जिससे वो चेयर नीचे गिर गई। फिर क्या था, केन माफी की भीख मांगने लगे पर खली ने उन पर वार करके उन्हें रिंग के बाहर भगा दिया। इस तरह से केन की चालाकी उन्हीं पर भारी पड़ गई। नंबर 2, ग्रेट खली असॉल्ट्स जॉन सीना। दोस्तों 7 मई 2007 के रॉ में रैंडी ऑर्टन और WWE चैंपियन जॉन सीना का मैच चल रहा था। तभी द ग्रेट खली वहां आ जाते हैं और WWE चैंपियनशिप बेल्ट को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तभी सीना भागकर खली का पीछा करते हैं लेकिन खली उन पर टाइटल से वार करके उन्हें गिरा देते हैं। इसके अगले हफ्ते 14 मई की रॉ की शुरुआत करते हुए जॉन सीना कहते हैं कि खली के पास मेरा टाइटल है और मुझे अपना टाइटल अभी वापस चाहिए। तभी ग्रेट खली और रंजीत सिंह सामने स्क्रीन पर अपीयर होते हैं जहां महाबली खली सीना को कहते हैं, देख तेरी बेल्ट मेरे पास है, तुझे अगर चाहिए तो आकर मुझसे ले जा। फिर जॉन सीना दौड़ते हुए खली के पास बैकस्टेज पहुंच जाते हैं लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। सीना अचानक से खली पर धावा बोल देते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। फिर खली कचरे का डब्बा सीना के सर पर फेंक कर लोहे की चीजों पर उन्हें मारते हैं। फिर एक पंजाबी प्लंज मारने के बाद सीना की गर्दन पकड़कर उन्हें शटर पर ठोकते हैं। इसके बाद खली इतनी जोर से सीना की गर्दन दबाते हैं कि वो बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और जोर जोर से खांसने लगते हैं। नंबर 1, ग्रेट खली क्रशेस रे मिस्टीरियोस स्कल।
दोस्तों 7 सितंबर 2007 के स्मैकडाउन में रे मिस्टीरियो ने चावो गेरेरो के खिलाफ आई क्विट मैच लड़ा था, जिसके लास्ट में चावो का पैर रोप में अटका रह गया और मिस्टीरियो ने उनके पैर पर कई बार स्टील चेयर से वार करके उन्हें आई क्विट बुलवाकर मैच जीत लिया। पर वो अपनी जीत का जश्न मनाते उससे पहले ही महाबली खली ने आकर अपनी दहशत फैला दी। जैसे ही खली रिंग में आने लगे, मिस्टीरियो ने उन पर कुछ वार किए, पर खली के एक बिग बूट से रे मिस्टीरियो ढेर हो गए। फिर ग्रेट खली ने अपने दोनों हाथों से मिस्टीरियो का सर दबाकर उन्हें अपनी वाइस ग्रिप का शिकार बनाया। इवन अपने दोनों हाथों से उन्होंने मिस्टीरियो को ऊपर उठा लिया। कुछ देर के बाद रे मिस्टीरियो के मुंह से खून की धार बहने लगी और उनकी छाती तक खून आ गया। यहाँ खली अगर कुछ देर और मिस्टीरियो को नहीं छोड़ते तो उनकी जान भी जा सकती थी, पर शुक्र है बटिस्टा का जिन्होंने आकर मिस्टीरियो को महाबली खली से बचा लिया और उन पर टाइटल से वार करने के बाद उन्हें स्पीयर मारकर रिंग से बाहर कर दिया। पर इस खतरनाक नजारे को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। तो दोस्तों इन 5 पलों में से आपको सबसे खतरनाक पल कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर